प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण जो कि कलकल निनादिनी परम पावन गंगा महारानी के तट पर बैठकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो दिव्य कथा श्रवण कराई, ये वही दिव्य श्रीमद भागवत महापुराण है जिनको श्रवण करने के लिए आप लोग यहां विराजमान हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में चार वेद, छह शास्त्र, 100 उपनिषद और 18 पुराण हैं। लेकिन उन 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण कौन, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई गई है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वादश स्कंद यानी द्वादश 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 मंत्र हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत। यदि प्राणी उन 18,000 मंत्रों की व्याख्या करने लग जाए तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो 18,000 मंत्रों की व्याख्या पूरी नहीं हो पाती है। तो कहते हैं उन 18,000 मंत्रों में सबसे पहला मंत्र क्या है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सबसे पहला मंत्र है ये, सबसे पहला मंत्र कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। ये मनुष्य शरीर जो है 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत मिला है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में 3 बातें होती हैं वह समझने के योग्य हैं। वह 3 बातें क्या है प्यारे भक्तों, कहते हैं सत, चित और आनंद। सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है। सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। कैसे, जो पहले भी सत्य, मध्य में भी सत्य और जिसका कभी ना होने वाला अंत वो भी सत्य है। चित, चित किसको कहते हैं, चित कहते हैं प्रकाश को। प्रकाश यानी हमको पढ़ने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन चित स्वरूप परमात्मा वह स्वयं प्रकाशवान है, उसको कभी भी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए साक्षात सूर्य नारायण भगवान है, हम उनके सामने लाखों दीपक दिखाएं, दीपक दिखाना हमारा व्यर्थ है। क्यों, वह स्वयं हमको प्रकाश देते हैं। और आनंद किसको कहते हैं, आनंद प्रभक्तो, आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से बताई गई है। आनंद क्या है, कहते हैं जो आनंद है वह परमात्मा का स्वरूप है। आनंद आत्मा की ज्ञान का स्वरूप है। आनंद हम एसी में बैठ जाएं, डल्लत के गद्दे पर, उसको आनंद नहीं कहते। 56 भोग खाने को मिल जाएं, उसको आनंद नहीं कहते। एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारी 4-4 मंजिल की कोठियां हैं, उसको आनंद नहीं कहते हैं। तो आनंद क्या है, जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में
राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया था, अवतार लिया था, तो वहाँ अयोध्यावासी क्या कह रहे थे, अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। पहले क्या हुआ था, आनंद, अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। और जब भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मथुरा की जेल में वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लिया, और जब वो गोकुल में पहुंच गए, तब वहां आज ब्रजवासी लोग क्या कह रहे हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आनंद क्या है, आनंद स्वयं भगवान श्री राम है, आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए सत्य क्या है, परम पिता परमात्मा, सत्य वो भगवान ही है। इसीलिए कहते हैं प्रभक्तो सत्य तो वही है, सत्य नारायण कहो, सत्य स्वरूप भगवान कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, केवल भगवान ही सत्य है। और कहते हैं कि जिनकी कृपा से सारा संसार चलता है, और वही भगवान इस संसार का संहार कर देते हैं, और वही भगवान इस संसार का पालन करते हैं। और जो तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के दो जो दुख हैं वो कौन कौन से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सभी दुखी है मेरे भक्तों, कोई शरीर से दुखी है, किसी को रोग हो रहा है कि हे भगवान ये मेरा रोग निकल जाए, कोई तन दुखी, कोई मन से दुखी है कि मान लीजिए पड़ोसी की दो कोठियां बन गई हैं, मेरी एक भी कोठी नहीं है, वो मन से दुखी है। कोई धन बिन रहे तो दास, किसी के पास में धन नहीं है, वह बिना धन के दुखी है कि हे भगवान मैं तो बिना पैसा के दुखी हूँ। इसीलिए परमात्मा सुखी कौन है, केवल उस परम पिता परमात्मा का नाम जपने वाले वही सुखी है, वही संत भगवान सुखी है। इसलिए प्रभक्तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि नेम से सूत मासीनो मविवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। कहते एक समय नेमी सारण क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, जिस प्रकार आप लोग यहाँ विराजमान है कथा सुनने के लिए, ऐसे ही नेमी सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हुए, और उन्होंने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके कहा कि हे सूत जी महाराज, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। कहते हैं कि अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आप हमें ऐसी उत्तम कथा सुनाएं जो कि हमारे कानों को प्रिय लगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, और ये माया जाल जो है इस माया जाल से हमको छुटकारा मिल जाए। क्यों कि ये माया जो है ना माया बड़ी विचित्र है, क्यों कहते हैं कि माया रूपी नर्तकी, माया रूपी नर्तकी जग को रही नचाए, और पलट कीर्तन कीजिए फिर ना सके सताए। जो माया है ना ये नर्तकी है, नचाती है व्यक्ति को, लेकिन नर्तकी का उल्टा कर देते हैं, नर्तकी का उल्टा क्या हो जाता है, कीर्तन, भगवान का कीर्तन। यदि कीर्तन करते हैं तो प्यार भक्तों ये माया नहीं सताती है, क्यों कहते हैं कि माया मरी न मन मरो और मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी
कहे गए दास कबीर। तो प्यारे भक्तों, माया से बचने के लिए भगवान नाम कीर्तन जरूरी है। तो आइए 2 मिनट हम भगवान नाम कीर्तन करें, जिससे ये माया हमसे दूर होकर चली जाए। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण माताओं से निवेदन है, ऐसे करके ना बैठिए, दरिद्र आसन होता है, आसन लगा के बैठिए सभी माता। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा भाव नया भर दे, कुछ भाव
मिटे अपना पद कर जरा धर दे हंस दे रघु फेरे अरे नट नागर ने कृपा कर दे नट नागर ने कृपा कर दे भागवत भगवान की जय। इसीलिए कहते पै भक्तों के माया जाल से छुटकारा पाने के लिए केवल भगवान नाम कीर्तन। इसीलिए कहते इस कली काल में जीव नाना प्रकार की क्लेशों से पीड़ित है, नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा है, लेकिन इनके दुख की निवृत्ति कैसे हो? सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछ लिया और कहते इस संसार में भगवत प्राप्ति का जो उत्तम साधन हो वह हमारे ऊपर कृपा करके आप बताने की कृपा करें और हमको वह आप श्रवण कराएं। कहते कि काल रूपी सर्प से बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है, इसके श्रवण से भगवत प्राप्ति होती है। और कहते हैं संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के दूसरा उपाय और कोई नहीं है। कहते हैं कि जब पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं प्यारे भक्तों, तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने में रुचि होती है और तभी मन लगता है कथा सुनने में। और कहते हैं कि भागवत कथा अमृत से भी महंगी और मधुर है। अमृत से महंगी कैसी है? क्यों कि अमृत को यदि व्यक्ति एक बार पी लेता है तो वह अमर हो जाता है। अमृत को पीने से अमर हो जाता है, लेकिन भागवत कथा को सुनने से क्या होता है? कहते हैं प्यारे भक्तों भागवत कथा श्रवण करके एक नहीं दो नहीं जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। उन सभी पापों को नष्ट करके तब श्रीमद् भागवत महापुराण गोलोक धाम में व्यक्ति को उस जीव को ले जाती है। कहते हैं कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए मंच पर जैसे विराजमान हुए, तभी देवता लोग अमृत के कलश को लेकर के आए और कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज ये अमृत का कलश हमसे ले लीजिए और ये अमृत पिला देना राजा परीक्षित को। क्यों कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है,
वह इस अमृत को पी करके अमर हो जाएंगे। और जो भागवत रूपी अमृत है वह हमको सुना दीजिए। कहते हैं कि सुधा कुंभम गृहित देवास्तत्र समागमन। देवता लोग आए उस अमृत के कलश को लेकर के, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या सोचा कि ये देवता लोग बदले की भावना को लेकर के आए हैं। ये तो कहां एक कांच और कहां एक मणि। अमृत जो है ये कांच के समान है और भागवत महापुराण ये मणि के समान है। कांच को मणि महान। देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने अभक्त समझा, बोलिए बदले की भावना को लेकर के आए हैं, ये भक्त नहीं है। कहते हैं कि अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भागवत कथा श्रवण नहीं कराई। यदि आप चाहें कि हम देवलोक में जाकर के, स्वर्ग में जाकर के हम भागवत कथा श्रवण करें, नहीं कर सकते हैं। आप जब इस पृथ्वी पर पुण्य कमाएंगे, अपने हाथों से दान करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, तब आप उस पुण्य के प्रताप से स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक। और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो देवता लोग धक्का दे करके भगा देते हैं, बोल जाइए अब तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया है। क्योंकि बैंक में पैसा रहता है, तब तक मैनेजर चेक काट करके दे देता है, पैसा निकाल करके दे देता है। और जब अकाउंट में पैसा नहीं रहता है ना, तो नहीं देता है। ऐसे ही यदि हमारा पुण्य होता है तब तक हम स्वर्ग में वास करते हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो हम इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। मृत्यु लोक में कीड़ा बनते हैं, मकोड़े बनते हैं, कुकर बन जाते हैं, सूकर बन जाते हैं, 84 लाख योनियां भोगने में लग जाते हैं। इसीलिए ये भागवत कथा पर भक्तों हम मृत्यु लोक में आकर के श्रवण कर सकते हैं। यही तो, इसीलिए तो ये भागवत कथा सबसे महंगी है और मधुर है। भागवत की कथा के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। जब राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, स्वयं ब्रह्मा जी महाराज अपने लोक में तराजू लेकर के बैठ गए और तोलने लगे हैं। क्या एक पलड़े में मुक्ति के जितने साधन थे सबको रख लिया, और दूसरे पलड़े में भागवत महापुराण को रख लिया। अब तोलने लग गए, कितने साधन, कौन कौन से, 4 वेद, 6 शास्त्र, 100 उपनिषद, 17 पुराण एक पलड़े में, और श्रीमद् भागवत महापुराण एक पलड़े में। लेकिन भागवत महापुराण का पल्ला जो है जमीन से उठा नहीं, जमीन में टिकाई रहा, और जितने भी साधन थे वह पल्ला ऊपर हो गया। तो कहते हैं कि पलड़ा झुका कथा अमृत का, सब साधन रह गई हल्की। क्यों? कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़पन तो मुर्दे की पहचान होती है, जिसमें ताकत होती है ना वही झुकता है प्यारे। और जिसमें ताकत नहीं होती है ना वो अकड़पन दिखाता है। जितने भी साधन हैं सब नश्वर हैं, बेकार हैं, लेकिन मुक्ति का साधन क्या है? केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। जब भागवत कथा को श्रवण करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार नारद जी ने जो विधि बताई है उस प्रकार सुनने से जल्दी ही मुक्ति होती है। नारद जी का नाम सुनते ही सभी चर्चा करने लग गए, आश्चर्य हुआ। क्यों? कि नारद जी तो एक गौ माता जितने समय में दोही जाती है उतने समय तक रुकते थे नारद जी, लेकिन इनको 7 दिन एक जगह बैठकर के कथा सुनने का अवसर कैसे मिला ये तो बताइए। क्यों? कि नारद जी तो
प्राय करके लोगों में इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने में लगे रहते थे। लेकिन 7 दिन कथा सुनने का मौका उनको कैसे मिला? कहते हैं सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज बोले कि सुखदेव जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य समझ करके वह दिव्य कथा श्रवण कराई, मैं वह आपके प्रति कहता हूं। कहते हैं कि एकादपि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददद सुस्तत्र नारद। एक समय सनकादि ऋषि कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सत्संग के उद्देश्य से बद्र का आश्रम में पहुंचे। और बद्र का आश्रम में जैसे ही पहुंचे वहां उन्होंने क्या देखा? नारद जी महाराज को आते हुए देखा। नारद जी महाराज को देख करके बोले, हे नारद जी महाराज, आपकी उदासी का कारण क्या है और इतनी जल्दी कहां से आ रहे हैं और कहां के लिए जा रहे हैं, ये तो बताइए। नारद जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने इस पृथ्वी लोक को पुण्य लोक समझा और पुण्य लोक समझ करके मैं गया, गया में गया, गंगा आदि तीर्थों में भ्रमण किया, मैंने सभी जगह भ्रमण किया है, तीर्थों में पुष्कर, प्रयाग, गया आदि तीर्थों में भ्रमण किया है, लेकिन मैंने पृथ्वी को हर जगह पीड़ित ही देखा, शांति का कोई नाम और निशान नहीं, सभी लोग उधर पोषण में लगे हुए हैं, पेट भरने में लगे हुए हैं, लोग लोभ में आकर के कन्याओं का व्यापार कर देते हैं। इस कलिकाल के दोषों को देखता हुआ मैं कहां परम पावन वृंदावन में यमुना महारानी के किनारे पर पहुंचा, यमुना के तट पर पहुंचा और वहां पहुंच करके मैंने एक दृश्य देखा, मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य? कहते हैं कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। क्या आश्चर्य देखा कि वहां एक स्त्री है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, एक इधर में पड़ा हुआ है, एक इधर में पड़ा हुआ है, वह स्त्री उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है, जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास करते करते वह हार गई और वह रोने लगी। सैकड़ों स्त्रियां उसके साथ में बैठी हुई हैं, उसकी पंखा से हवा कर रही हैं और उन्हें समझा रही हैं कि आप धैर्य धारण करें। उसने किसने उस स्त्री ने मुझे देखा और देख करके कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय। हे साधो, आप यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर करते जाइए, एक क्षण भर ठहर करके मेरी चिंता को दूर करें। लेकिन मैंने कहा उस स्त्री से कि आप कौन हैं और ये स्त्रियां कौन हैं और आपके पास में ये दो वृद्ध पुरुष जो पड़े हुए हैं, वृद्ध पुरुष, ये कौन हैं? इस पर वह स्त्री क्या कह रही है कि अहम भक्ति रितिक्षाता इमौ मे तनयौ मतौ। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान वैराग्य नाम के ये मेरे दोनों पुत्र हैं और ये स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं, ये मेरे साथ में हमेशा रहती हैं, फिर भी मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। मैं द्रवण देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली और महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई और गुजरात में आते आते मेरी यह दशा हो गई कि वृद्धावस्था ने मुझे घेर लिया है और कलयुग के प्रभाव से मैं इस दशा को प्राप्त हो गई। और अंत में जब हम वृंदावन आ गए और वृंदावन में आते ही क्या हुआ, मैं तो हो गई जवान जबकि मैं बुढ़ी थी, मैं तो हो गई जवान और मेरे जो पुत्र थे ना वे हो गए बुढ़े। ये विपरीत दशा को हम प्राप्त हो गए, घट थे जरठा माता तरणौ तनयाविति। इसका क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि हे भक्ति,
वृंदावन में तेरे प्रेमी बहुत हैं, ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में कोई नहीं चाहता है। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेले सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे सबे रट को सार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेले सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेले सरकार, रटे जा राधे राधे। विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो
रस भात चारो रोतो नहीं हो तो प्रेमी अवतार वेदन को सार बजे जा राधे राधे गोपी बन के आयो बंसी बन कियो बिहार राधे 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 अलवेले सरकार राधे 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 जपे राधे 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 अजय राधे 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 अलवेले सरकार राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। इस प्रकार कर भक्तों वृंदावन में अक्सर करके राधे राधे होती रहती है, डाल डाल पर पत्ते पत्ते पर राधे राधे गूंजती रहती है। इसीलिए कह रहे हैं नारद जी महाराज, हे भक्ति महारानी वृंदावन में तेरे प्रेमी बहुत हैं, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं चाहता है, इसीलिए तुम यहाँ आकर के जवान हो गई हो और तुम्हारे पुत्र जो हैं ये बुड्ढे हो गए हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था से मुक्त नहीं हुए हैं। इस पर भक्ति महारानी ने कहा, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को शेष क्यों रहने दिया? इस पर नारद जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतार करके अपने धाम को चले गए थे ना, तभी से इस पृथ्वी पर कलयुग ने अपना अड्डा बना लिया है। कलयुग के आए हुए प्रभक्तों 5,500 वर्ष हुई है, 5,500 वर्ष कलयुग को आयु हुई है और कलयुग की आयु 4,32,000 है। कलयुग की आयु अभी 5,500 वर्ष हुई है, अभी तो देख लीजिए कलयुग ने अपना कितना बोल बाला प्रारंभ कर दिया है। इस पर नारद जी बोले, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तभी से पृथ्वी पर कलयुग ने आकर के अपना अड्डा बना लिया है। राजा परीक्षित के दिग्विजय के समय पर कलयुग के द्वारा जब राजा परीक्षित दिग्विजय के निकले थे, दिग्विजय करने के लिए निकले थे राजा परीक्षित हाथ में तलवार लेकर के, उसी समय कलयुग के द्वारा गौरूपी पृथ्वी ने, पृथ्वी माने गौरूप धारण कर रखा था और धर्म ने बैल रूप धारण कर रखा था, तो कलयुग के द्वारा राजा परीक्षित ने बैल को पीटते हुए देखा, बैल को पीटते हुए देखा तो परीक्षित ने उसे मारने के लिए दौड़े राजा परीक्षित, लेकिन कहते हैं कलयुग जो है दीनों की भांति राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और राजा परीक्षित को दया आ गई, दयावश उसको क्षमा कर दिया। लेकिन कहते हैं कलयुग में अनेक दोष हैं,
लेकिन अनेक दोष होते हुए एक गुण अवश्य है। वो कौन सा गुण है? कहते हैं कि जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता, जो फल समाधि से प्राप्त नहीं होता, वह फल कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से मिल जाता है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से जो फल मिल जाता है, वह फल प्रभक्तो समाधि से नहीं मिलता है, तपस्या से नहीं मिलता है। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक नारद जी की बात को सुनकर के भक्ति महारानी को बड़ा आनंद हुआ और कहने लगी कि हे नारद जी, आप तो बड़भागी हैं और आपके दर्शनों से मैं भी बड़भागी हो गई हूँ। कहते कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन नेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतोस्मि। हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो, जिनके दर्शन और उपदेश से भक्त प्रहलाद ने माया को जीत लिया। नारद जी महाराज तो अपनी कुटिया पर ले गए थे, कब? जब कौन? हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए और इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को चुरा करके ले जा रहा था, हरण करके ले जा रहा था। नारद जी ने पूछा, अरे इंद्र, इसे कहाँ ले जा रहे हो? बोले, इसके गर्भ में हमारे शत्रु का बच्चा पल रहा है, इसे खत्म कर देंगे। बोले, इसमें शत्रु नहीं, भगवान का परम भक्त है। नारद जी महाराज अपने आश्रम पर ले गए और गर्भ में ही उस बच्चे को भागवत कथा श्रवण कराई। इसीलिए कह रहे हैं, हे नारद जी, आपके दर्शन और उपदेश से भक्त प्रहलाद ने माया को जीत लिया और भक्त ध्रुव ने परम पद को प्राप्त कर लिया। क्यों? कि नारद जी महाराज ने उपदेश दिया था, तभी तो ध्रुव जी महाराज वन में जाकर के, मधुबन में जाकर के 5 वर्ष की अवस्था में ही भक्ति प्रारंभ कर दी और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। आज भी हम लोग जब विवाह होता है, विवाह के समय पर ब्राह्मण देवता रात्रि में यदि विवाह संस्कार होता है तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारे को साक्षी करके और अग्नि को साक्षी करके 7-5 वचन भरवाते हैं लड़का और लड़की से, ध्रुव तारे को साक्षी करके। और जितने भी तारे हैं वे सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए कहते प्रभक्तो, भक्त ध्रुव ने परम पद को प्राप्त कर लिया। हे नारद जी, आप सभी का कल्याण करने वाले हैं। हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। बोलिए नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज बोले कि प्रथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे बाले, हे स्त्री, भगवान के चरणारविंदों का स्मरण कर तेरा दुख स्वयं दूर हो जाएगा। अरे, जिन्होंने द्रौपदी के दुख को दूर किया और गोप कन्याओं की रक्षा की, अरे हुए भगवान, तुम्हारे बुलाने पर तो एक चांडाल के घर भी चले जाते हैं, वहां जाने में संकोच नहीं करते हैं। फिर तुम चिंता किस बात की करते हो? जहाँ एक चांडाल का घर होता है ना, और वहाँ भगवान की पूजा होती है, वहाँ भगवान अवश्य चले जाते हैं। भगवान से किसी ने पूछा, बोले भगवान, आप कहाँ विराजते हैं? भगवान ने कहा कि न तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, न मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, और जहाँ मेरे भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरा तो वही वास रहता है। इसीलिए भगवान ने कह दिया, मेरा वही वास रहता है। आज कहते हैं कि भगवान, हे भक्ति, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान एक चांडाल के घर भी जाने में संकोच नहीं करते। और याद रखना,
नारद जी महाराज कह रहे कि मैं घर घर में तुम्हारा प्रचार न कर दूं तो भगवान का दास कहलाना छोड़ दूंगा। भक्ति के सामने पैर भक्तो, व्रत जो व्रत होता है ना, व्रत कोई अपने में महत्व नहीं रखता है और समाधि आदि अपने में कोई महत्व नहीं रखती है, केवल होनी चाहिए भक्ति। भक्ति ही मुक्ति देने में समर्थ है। यदि आपके हृदय में भक्ति नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। आपके हृदय में गौ माता की भक्ति है, गौ माता की आपके हृदय में भक्ति है और गौ माता की सेवा करते करते आपका सहज में ही कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि गौ माता भगवान श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है, क्योंकि भगवान तो गौ का पालन करने वाले ही, इसीलिए तो नाम रखा है गोपाल गोविंद, जिनका रक्षक केवल कौन है? केवल भगवान श्री कृष्ण है। गौ माता का रक्षक, ब्राह्मणों का रक्षक केवल भगवान श्री कृष्ण है। जिनकी आप इस गौशाला में बैठ करके, गौशाला में रह करके गौ माता की सेवा कर रहे हैं, सहज में ही कल्याण हो जाता है। क्यों? कि आपके हृदय में गौ माता की भक्ति जागृत है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कि गौ माता के दर्शन करते हैं और आप अपने अपने घर से एक एक रोटी गौ माता को निकालते हैं। ये बड़े ही भाग्य की बात होती है। क्यों? कि गौ माता पे भक्तों, गौ माता की सेवा बिरला ही पुरुष को मिलती है, अन्यथा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, और पढ़ी लिखी जो माता बहने होती है वो क्या कहती है, मम्मी जी मेरे को तो इस गोबर में से स्मेल आती है, इस गौमूत्र में से मुझे तो स्मेल आती है, जो पढ़ी लिखी होती है जो, और जो देहात की जो होती है सेवा करने वाली, वो कितनी तत्परता से, प्रेम से, श्रद्धा से गौ माता की सेवा करती है। क्यों? कि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है और गौ जो मूत्र होता है ना उसमें गंगा जी का वास है। प्रभु इसीलिए प्रभु अंदर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। और कहते हैं, हे भक्ति महारानी, तुम्हारे बुलाने पर भगवान एक चांडाल के घर भी चले जाते हैं। इस प्रकार की बातों को सुनकर के भक्ति महारानी को बड़ा ही आनंद आया और कहने लगी कि आप मेरे सोए हुए पुत्रों को जगाने का प्रयास करें, उपाय सोचें। नारद जी उन सोए हुए पुरुषों के पास में जाकर के, कानों में जाकर के मंत्र कहते हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं जोर जोर से, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ओम सहस्त्र शीरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि गुम सर्वत प्रत्वा तत्तष्ट दशांगुलम, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, गीता के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य जग तो जाते हैं लेकिन उवासी लेकर के फिर सो जाते हैं। कहते हैं जब वह वेद मंत्रों के उच्चारण से नहीं जगे और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई गीता जी के मंत्रों से नहीं जागे तो प्यारे भक्तों नारद जी महाराज उदास हो गए, उदास हो जाते हैं। तभी आकाश से आकाशवाणी होती है, नारद उदास मत होइए। तो क्या करें कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद भागवता लाप सातु गीता सुका देवी। हे नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म और सत्कर्म करोगे तो ये दोनों जाग जाएंगे और सत्कर्म का उपदेश तुमको महात्मा लोग ही बताएंगे। नारद जी महाराज उदास होकर के बद्र का आश्रम में गए, वहां तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए जैसे ही तैयार हुए उसी समय सनकादिक ऋषियों को आते हुए देखा। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, जो आकाश से आकाशवाणी हुई थी कि ये सत्कर्म के लिए, ये सत्कर्म क्या है मुझे ये बताइए। ऋषियों ने कहा, हे नारद जी चिंता न करें,
वे साधन सरल एवं सुगम है, उसका ज्ञाता बड़े भाग्य से ही मिलता है। सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने प्यार भक्तों क्या श्रीमद भागवत को ही सत्कर्म बताया है, ज्ञान यज्ञ किया है, और ज्ञान यज्ञ श्रीमद भागवत महापुराण की कथा ही है। कहते हैं नारद जी महाराज, सुनिए, जब वेदों के उच्चारण से, गीता के मंत्रों के उच्चारण से जब ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तो भागवत कथा को सुनकर के कैसे जाग जाएंगे। करको ऋषियों ने कहा कि सुनिए, सब शास्त्रों का सार, सब शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद भागवत कथा का उदय हुआ है। निचोड़ होने के कारण तो कहते हैं, इसीलिए ये सर्वोत्तम मानी गई है श्रीमद भागवत कथा। जैसे आम के वृक्ष में मूल से लेकर के और छोर तक रस ही रस भरा रहता है, लेकिन आम के पत्ते को खाने से वह रस हमको महसूस नहीं होता है, उसकी छाल को खाने से वह रस महसूस नहीं होता है। जब वही रस निकल करके, एक एक बूंद करके, निकल निकल करके जब फल के रूप में परिणत हो जाता है, और वही फल जब डाली पर पक जाता है, उस फल को जब हम भगवान का भोग लगा करके खाते हैं, तो कितना आनंद होता है। और सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, ये चार वेद, छह शास्त्र, सौ उपनिषद और सत्रह पुराणों का सार होने की वजह से श्रीमद भागवत महापुराण ये मधुर है, और इसकी रचना ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए हुई है। और सुनो, याद करें, जब व्यास जी महाराज को शंका हुई थी, तब आपने ही चतु श्लोकी भागवत सुना करके उनकी शंका को दूर भगाया था। फिर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी बोले, हे भगवान, आपके दर्शन से मुझे बहुत शांति मिली। क्यों? कि संतों का समागम और भगवान की कथा बड़े ही भाग्य से मिलती है। कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के ही घर होए। संतों का समागम और भगवान की कथा, प्यारे भक्तों, यही दुर्लभ है। अन्यथा पुत्र, पत्नी, लक्ष्मी, ये तो प्यारे भक्तों हर किसी को मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। और नारद जी ने सनकादियों से कहा, हे मुनीश्वरो, मेरा विचार वही ज्ञान यज्ञ करने का है, जिससे संसार में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो जाए, उनका प्रचार प्रसार हो जाए। मुझे उत्तम स्थान बताएं और आप ही वह ज्ञान यज्ञ यानी भागवत का वर्णन करेंगे। कहते हैं कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, सुख शास्त्र कथोज्वलम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नता। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, हरद्वार में, हरद्वार के समीप एक आनंद नामक गंगा तट है, वे बड़ा ही पवित्र स्थान है, वहीं आप ज्ञान यज्ञ करें, वहां रस से भरी कथा होगी, और जिसका शब्द सुनते ही तीनों, कौन, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये तीनों जाग जाएंगे और तीनों जवान होकर के वहीं पहुंच जाएंगे। अब तो नारद जी महाराज गंगा तट पर पहुंच गए हरिद्वार में, और वहां पहुंचते ही चारों लोकों में चर्चा फैल गई, और वहां कौन, भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम तिथि, पाराशर, व्यास, ये सभी ऋषि वहां पहुंच गए, अमृत का पान करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक बात बताएं, जो भृगु जी महाराज है ना, भृगु जी महाराज, उन्होंने एक मिनट भी बैठ करके भागवत कथा को श्रवण नहीं किया,
भृगु जी महाराज ने, लेकिन श्रोताओं में उनका पहला स्थान है। जबकि कथा उन्होंने एक मिनट भी नहीं सुनी और श्रोताओं में उनका पहला स्थान भृगुर वशिष्ठ चौवन गौतम तिथि पाराशर, उनका पहला स्थान क्यों आया? भृगु जी महाराज ने घर घर में जाकर के कहा कि आप चलिए, वहां भागवत यज्ञ हो रही है, वहां भागवत कथा हो रही है। उन्होंने घर घर में जाकर के प्रचार किया, क्यों कि उनके कहने से सभी सुनने के लिए आ गए और सबका कल्याण हो गया। इसीलिए श्रोताओं में अग्रगण्य अधिकारी भृगु जी महाराज। इसीलिए निवेदन है आप लोगों से, आप अपने घर घर में जाकर के अड़ोसी को पड़ोसी को सबको जाकर के प्रचार करके कहें कि वहाँ भागवत यज्ञ हो रही है, गौशाला में आप जाकर के कथा श्रवण करें। क्यों कि कहते हैं सनत कुमार जी ने जब श्रीमद भागवत का महात्म कहना प्रारंभ कर दिया और बोले क्या कहा है कि सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। हे नारद जी, भागवत की कथा का सदा सेवन करना चाहिए, इसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। चाहे आप एक अध्याय डेली सुनिए, चाहे आप आधा पेज डेली पढ़िए, चाहे आधे में से आधा पेज पढ़िए, चाहे एक श्लोक डेली पढ़िए, लेकिन भागवत महापुराण का सदा सेवन करना चाहिए, सदा श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। मृत्यु के समय पर कितनी बड़ी बात कही है, यदि मृत्यु के समय पर भागवत कथा की ध्वनि कानों में पड़ जाती है ना, तो वह प्राणी सीधा बैकुंठ को चला जाता है। और जो मनुष्य भागवत महापुराण को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके भागवत महापुराण को सोने के सिंहासन पर विराजमान करके किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में देता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण के साथ में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की उस कथा की प्राप्ति होती है। और कहते हैं इसीलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करना चाहिए। जप, तप, योग, समाधि और माघ महीने के स्नान का जो फल होता है ना, वह सप्ताह श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है। हम लोग जाते हैं कहाँ, इलाहाबाद में जाते हैं माघ महीने में स्नान करने के लिए। माघ के महीने में जो मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है, वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, एक महीने तक कल्पवास करते हैं, वहाँ संतों के दर्शन करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो सात दिन बैठ करके कथा श्रवण कर लेता है, जो फल कल्पवास करने से प्राप्त होता है, वह फल सात दिन में ही प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि योगाद गर्जति सप्ताहो, ध्यानाज ज्ञानाज गर्जति, किम ब्रूमो गर्जनम तस्य, रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह के सामने सबकी गर्जना समाप्त हो जाती है, जैसे सिंह के सामने भेड़िए की गर्जना समाप्त हो जाती है, ऐसे ही भागवत महापुराण के सामने सबकी गर्जना समाप्त है। करवक्तु सोनक जी ने पूछा, इस पुराण का इतना महत्व क्यों है? सूत जी महाराज बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे ना, तब भगवान श्री कृष्ण अपना तेज श्रीमद् भागवत में ही छोड़ करके गए थे। स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात,
तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद् भागवतार्णवम्। इस कारण से श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति है, साक्षात भगवान का स्वरूप है भागवत महापुराण। सप्ताह को सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य वे तीनों जवान हो गए। भागवत कथा हो रही थी हरिद्वार में और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कहां थे? वृंदावन में। तीनों जवान हो गए और जवान होकर के हरिद्वार में उस कथा के बीचों बीच जाकर के प्रकट हो गए। जाकर के प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। सभी आश्चर्य करने लगे, बोलिए तीनों प्राणी कहां से आ गए? एकाएक मान लीजिए हम चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ कोई व्यक्ति अचानक प्रकट हो जाए, हम क्या कहेंगे ये कहां से आ गया? लेकिन उसी समय भक्ति महारानी कहने लगी कि अब भगवान मुझे बताइए मैं कहां निवास करूं, मेरे लिए स्थान तो बताइए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। तभी से भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में वास करती है। प्यारे भक्तों कहते हैं कि सप्ताह यज्ञ से ये तो बताइए किन किन पापियों की शुद्धि हो जाती है? सप्ताह सुनने से किन किन पापियों की शुद्धि होती है? कहते हैं कि सप्ताह यज्ञ से जो पांच प्रकार के पापों से युक्त रहते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। वे पांच प्रकार के महापापी कौन कौन हैं? कहते हैं कि ब्रह्मघ्नश्चैव गौघ्नश्च स्वर्णतेच मद्यप तत्संसर्गी पंचमश्च युग्र पापा प्रकीर्तितः। पहला महापापी कौन है? ब्रह्मघाती, जिससे ब्राह्मण की हत्या हो गई हो। दूसरा है गौघाती, जिससे गौ हत्या हो गई हो। और तीसरा है सुवर्ण चुराने वाला, वो महापापी होता है जिसने सोने की चोरी की हो। और तीसरा है सुवर्ण चुराने वाला। चौथा है मदिरा का पान करने वाला। और पांचवा है उनका संग करने वाला। हे नारद जी महाराज, यदि ऐसे प्राणी भी भागवत कथा श्रवण करते हो तो वे भी पाप मुक्त हो जाते हैं। हे नारद जी, इस विषय पर मुझे एक कथा याद आ गई कि प्राचीन समय में, प्राचीन समय के इतिहास कहते कहते तुंग भद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परहा। कहते कि तुंग भद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था जिसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी निवास करते थे, बड़े ही विद्वान कर्मकांडी, भगवान की पूजा करने वाले बड़े ही विद्वान थे। लेकिन उनकी पत्नी, पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली किसको कहते हैं? जो अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में धुंधलापन बना रखा हो, उसी को धुंधली कहते हैं। धुंधली कैसी है? कृपण है, क्रूर है, क्रूर स्वभाव की है, कर्कश वाणी है और हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाली है। और अपने पति देव को दिखावटी प्रेम करती है। जब पति देव आ जाते हैं ना तो वह उनकी आरती का थाल लेकर के आरती करती है, और जब पति देव चले जाते हैं तो वह उनको गाली देती है, उनको दुत्कार किए पीछे से। लेकिन प्रभु भगवान को ये बनावटीपन अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं
कि मुझे तो निर्मल मन वाला प्राणी चाहिए। कहते हैं भगवान कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे तो ऐसा प्राणी चाहिए जिसके मन में छल नहीं हो, कपट नहीं हो, छिद्र नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो, निर्मल मन वाला प्राणी चाहिए। लेकिन धुंधली कैसी है? वे क्रूर स्वभाव की है, कर्कश वाणी है, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। धुंधली तो है लेकिन कोई संतान नहीं है। अनेक प्रकार के दान कर रहे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कराए, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने घर में एक गौ माता को पाल रखा है, गौ माता की सेवा करते करते काफी दिन हो गए, लेकिन गौ माता को न कोई बछड़ा है न बछिया है। लेकिन उन्होंने एक तुलसी का बिरवा भी लगा रखा है, तुलसी का पौधा भी लगा रखा है घर में, लेकिन वह भी सूख जाता है। रोजाना जल से सींचते हैं, वह भी सूख जाता है। और यदि उनके हाथ में कोई फल देता है, वह फल हाथ में आते ही सड़ जाता है। बड़े व्याकुल हैं, चिंतित हो रहे हैं, अब क्या किया जाए। लेकिन एक दिन चिंता से व्याकुल होकर के वह आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए। वन में जाकर के वह बैठे बैठे रोने लग रहे हैं, रो रहे हैं, और वह कहने लगा कि मैंने कोई ऐसा पाप कर्म किया है जिसलिए जिसके कारण मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे संतान नहीं है, और जो मैंने जो गौ माता पाली है ना, वह गौ माता भी बांझ है, उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं इस वन में से जाऊंगा नहीं। उसी समय एक महात्मा का रूप लेकर के भगवान उस जंगल में आ जाते हैं, और वह ब्राह्मण रो रहे हैं। ब्राह्मण उस संत भगवान को देख करके और ज्यादा रोने लगे। वह ब्राह्मण से संत भगवान कह रहे हैं कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो, तुमको क्या चिंता है, बताइए तो सही। लेकिन वह पंडित जी महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, मेरा नाम आत्मदेव है और मैंने गौ पाली, गौ की भी कोई न बछड़ा है न बछिया है, मैंने तुलसी का बिरवा लगाया, वह भी सूख जाता है, मैंने दान पुण्य बहुत किए, लेकिन कोई मेरे यहाँ संतान नहीं है। संतान होने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, संतान न होने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, और यहाँ इस जंगल में मैं अपने प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। ये मैंने निश्चित कर लिया है, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं होगा, वरदान नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। लेकिन उस संत भगवान ने उनके भालाक्षर मस्तिष्क पर लिखे हुए अक्षर बांचे और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण मालूम होते, विद्वान ब्राह्मण है, और सुनो, आपके एक जन्म में नहीं सात जन्म में पुत्र होने का योग नहीं है। क्यों? आपके सात जन्म तक पुत्र होने का योग नहीं है। लेकिन वह ब्राह्मण देवता कहते हैं, बोल महाराज, जो तो कौवा भी अपना पेट भरता है, कूकर सूकर भी पेट भरते हैं, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। क्यों? कि जब मैं अपने पितरों को जल अर्पण करता हूँ तो मेरे पितृगण देवता कहते हैं कि आज तो आप हमको जल दे रहे हैं, लेकिन आपके उपरांत हमको जल कौन देगा, हमको हम जल तर्पण कौन करेगा, इसीलिए वह मेरे हाथ का दिया हुआ जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, आंसू पी करके रह जाते हैं।
जिसके संतान नहीं होती है ना, उसके पितृगण देवता भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। लेकिन संत भगवान से वह ब्राह्मण कहता है, संतों की विभूतियाँ परोपकार के लिए होती हैं, और आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, अन्यथा मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन संत भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता ये बताइए, पुत्र होने से किस किस को सुख मिला है? अरे राजा चित्रकेतु को पुत्र हुआ था, उनको भी कोई सुख नहीं मिला, और राजा सगर को 7001 पुत्र थे, लेकिन उनको भी कोई सुख नहीं मिला। लेकिन तुम पुत्र लेकर के क्या करोगे? वे ब्राह्मण कहते हैं, जब घर में पुत्र की आवाज, उसकी किलकारी आंगन में हम सुनते हैं, तो मन रोमांचित हो जाता है। सन्यास जो है एक सूखी लकड़ी के समान है, और ये गृहस्थ जो है इसमें रस ही रस भरा हुआ है। कहते हैं, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। जब घर के आंगन में पुत्र पौत्र ये पोता आदि खेलते हैं, तो हमको बहुत आनंद होता है। इसीलिए आप हमको पुत्र होने का वरदान दीजिए, अन्यथा आपके चरणों में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। संत भगवान कहते हैं, ये भी बड़ी आपत्ति। दयावन संत कसाई और दया करी तो आपत्ति आई। दया जिसके हृदय में नहीं होती है वह कसाई होता है, और जो दया कर देता है ना उसकी आपत्ति आ जाती है। दयावन संत कसाई और दया करी तो आपत्ति आई। दया कर दी तो आपत्ति आ गई। बोले इसको वरदान दीजिए पुत्र होने का, नहीं देते तो ये प्राण त्याग देगा हमारे चरणों में, हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, क्या किया जाए? संत भगवान ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल दे दिया। बोले जाइए इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना, और नियम बता दिए, इस फल को खाने के बाद में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एक समय पत्तल पर बैठ करके भोजन करना है, धरती में शयन करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, चोरी चुगली लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारा नाम और अपना नाम इस दुनिया में अमर कर जाएगा। उस फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण उछलते हुए जल्दी से अपने घर पर पहुंच गए, और जाकर के अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। कहा, हे प्रिय, ये फल मुझे संत भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, और इस फल को खाने से हमारे यहाँ संतान होगी, आप इसको फल को खा लेना। सारे नियम बता दिए आत्मदेव ब्राह्मण ने। नियम बता करके आत्मदेव ब्राह्मण कहीं यज्ञ करने के लिए चले गए। क्यों? कि ब्राह्मणों का तो काम होता है कहीं यज्ञ करना, कहीं यज्ञ कराना, और कहीं से दान लेना, और कहीं दान देना, और विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को देकर के चले गए यज्ञ कराने के लिए, लेकिन उनकी पत्नी जो धुंधली थी उस फल को लेकर के दरवाजे पर बैठ गई, और घुमा घुमा कर उस फल को देख रही है। इस फल को खाने से मेरे पुत्र होगा, न तो मैंने सुना और न मैंने कभी देखा, और दूसरी बात, यदि मैंने इस फल को खा लिया, इस फल को खाने से मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरा भोजन कम हो जाएगा, और दूसरी बात, यदि मैं गर्भवती हो गई, पेट बढ़ गया, मेरे से घर का काम काज नहीं होगा, और जो ननद है ना, ननद जो हमारी ननद आएगी, वह इस बहाने से हमारा घर का सारा सामान चुरा करके ले जाएगी। क्यों? कि मैं तो काम कर नहीं पाऊंगी, और ननद सारा काम करेगी, कहां पर सोना रखा है, कहां पर चांदी रखी है, वह चुरा करके ले जाएगी। और तीसरी बात, यदि किसी
किसी ने इस गांव में आग लगा दी तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं इस फल को नहीं खाती हूँ। वह इस प्रकार सोच रही थी। उसी समय उनकी एक सहेली आ गई, वो कह रही है धुंधली से बहन उदासी का क्या कारण है। बोल बहन क्या बताऊं, मेरे पति देव इस फल को लेकर के आए हैं और कह रहे थे कि फल को खाने से संतान होगी और मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि फल को खाने से संतान हो जाए। लेकिन उसकी बहन कह रही है सहेली, बोल बहन सुनो, तुमको इस फल को खाने से कोई परेशानी है तो ऐसा कीजिए, इस फल को तुम गौ माता को खिला दो, अपना बच्चा दे जाऊंगी और तुम मुझे कुछ धन दे देना। बोल ठीक है बहन, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, क्यों कि इस फल की परीक्षा हो जाएगी, फल को गौ माता को खिला दीजिए, फिर मैं रहूंगी कैसे ये तो बताइए। उसकी सहेली कह रही है कि चिंता ना करो, अपने पेट पर कपड़ा बांध करके रहना, धीरे 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 कपड़ा बांधती जाना। अच्छा बोल हाँ, और घर के अंदर ही रहना। बोल ठीक है। वो फल खिला दिया गौ माता के लिए। और जब उसकी सहेली जो थी 6 महीने बाद उसको बच्चा हुआ, 6 महीने बाद उस बच्चे को लेकर के उसकी सहेली आई, उस बच्चा को धुंधली को दे करके और वहां से बहुत सारा धन लेकर के चली गई। लेकिन जब बच्चे की आवाज, रोने की आवाज आत्मदेव ब्राह्मण ने सुनी तो आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चा उत्पन्न हो गया, बच्चा पैदा हो गया। बड़ी प्रसन्नता हो गई, बड़ी खुशी हुई आत्मदेव ब्राह्मण को। क्यों कि जब घर में बच्चा होता है ना तो कितनी खुशी होती है, अपार खुशी होती है। लेकिन तो आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं धुंधली से जाकर के, बड़ी खुशी की बात है आपने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ये बताइए फल को खाए हुए तो अभी मात्र 6 महीने हुए हैं, ये 6 महीने में बच्चा कैसे हो गया। धुंधली कह रही है बोल सुनो, ये संतों का प्रसाद है, संतों के प्रसाद से बच्चा 6 महीने में भी हो सकता है और कहे तो 12 वर्ष तक नहीं हो सुखदेव जी महाराज की तरह। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर में क्या हुआ, 3 महीने बाद में गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, गौ माता ने भी बच्चे को जन्म दिया है। उसके पैर को गाय के जैसे कान हैं, बाकी सब शरीर मनुष्य के जैसा है। अब तो अपार खुशी हो रही है आत्मदेव ब्राह्मण को कि अब तक तो मेरे घर में एक भी बेटा नहीं था, अब तो मेरी गौ माता को भी बेटा हो गया है, अपार खुशी है। जब नामकरण करने का समय आया, आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं बोल सुनो, मेरा नाम है आत्मदेव और बच्चे का नाम रख देता हूं धर्मदेव। लेकिन धुंधली कहती है बोल सुनो स्वामी जी, फल खाया मैंने, व्रत किया मैंने, मैंने कोई चोरी चुगली नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया और आप नाम रखोगे अपने जैसा, मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया है, मैं अपने आप ही नाम रखूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण बोले बोल चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो गाय के जो पुत्र हुआ था उसका नाम आत्मदेव ने रख दिया गौकर्ण, गाय के जैसे कान होने से नाम रख दिया गौकर्ण। और जो धुंधली का जो पुत्र हुआ था, धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। आगे चल करके जो गौकर्ण हुआ था वह ज्ञानी हुआ, विद्वान हुआ। क्यों, वह संतों के आशीर्वाद से, संतों के फल से प्राप्त हुआ है। और जो धुंधकारी जो था वह महाखल, चोरी करने वाला, चुगली करने वाला,
जुआ खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला, व्यभिचार करने वाला पैदा हो गया। इसीलिए कहते हैं यदि हमको अच्छी संतान चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, तो प्रभक्तो माता बहने गर्भ धारण करके संतों की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में जाकर के भजन पूजन पाठ करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए, भागवत कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए, तभी बच्चा संस्कारी होता है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। एक दिन क्या हुआ, धुंधकारी वह सभी प्राणियों को सताया करता है, कुत्ते पालने वाला चांडाल सिद्ध हो गया। एक दिन धुंधकारी क्या करता है, पिता को पीट पीट करके कहता है, प्रभु मालूम है लड़का किसको कहते हैं, लड़का किसको कहते हैं, जो लड़ लड़ करके हिस्सा ले ले उसको लड़का कहते हैं, और बेटा किसको कहते हैं, जो जवान होते ही वह बंटवारा करने लग जाए उसको बेटा कहते हैं, और पुत्र पुत्र तो प्यारे भक्तों अच्छे संस्कारों से उत्पन्न होता है। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसको कमाने के लिए जरूरत नहीं है, उसके लिए वह अपने आप कमा लेगा, और यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसको भी कमाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक कमरा भर दीजिए नोटों से, वह 10 दिन में ही सबको बर्बाद कर देगा। इसीलिए धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता को पीट पीट करके कहा कि जल्दी बता कहाँ गड़ा हुआ है सोना, सोने चांदी के बर्तनों को ले जा करके वे जुआ में हार जाता है, पिता को पीटता है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण मकान के कोने में बैठे बैठे रो रहे हैं कि यदि मेरा पुत्र नहीं होता तो अच्छा रहता, ये कुपुत्र हो गया है, ये लायक नहीं है, ना लायक है, ना होता तो मैं अच्छा रहता। उसी समय गोकर्ण जी महाराज पर भक्तो अपने पिता के पास में आते हैं और पिता से कहते हैं, पिता तुम यहाँ क्यों रो रहे हो, यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, यहाँ तो केवल ये संसार है, ये असार है संसार, इसमें कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का धन नहीं, आप वन में जाकर के भगवान का चिंतन कीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का अध्ययन कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। एक बेटा तो ऐसा होता है कि जो बंटवारा करने लग जाता है, और एक बेटा ऐसा होता है कैसा कि हे पिताजी भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का पूजा अर्चना कीजिए, भगवान सहज में ही कल्याण कर देंगे हम और आप सबका। एक बेटा ऐसा होता है, बरसेगा जी बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहनो गहना, सत्य ज्ञान का पहनो
पहनोगे ना सत्य ज्ञान का पहनो गहना सत्य ज्ञान का पहनोगे ना कड़वे बोल कभी मत कहना 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 लालच दे संसार अमृत बरसेगा दया धर्म से प्रीति कर लो 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 भव सागर से पार उतर 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 लो हो जाए प्यारा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा तुम कर हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा राधे नाम का अमृत प्याला राधे नाम का अमृत प्याला श्री राधा नाम का अमृत प्याला राधा नाम का अमृत प्याला पीले बन कर किस्मत वाला 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 तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा करते प्रेम प्रभु से जो नहीं करते प्रेम प्रभु से जो नहीं करते प्रेम प्रभु से जो नहीं करते पड़े रहे और नरक में सड़ते 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 चाहे लालच चाहे लालच दे संसार अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा हाँ बरसेगा जी बरसेगा बरसेगा जी बरसेगा बरसेगा जी बरसेगा बरसेगा जी बरसेगा प्यारा हो जाए प्यारा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा प्यारा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा करो प्रभु से प्यार अमृत बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पिताजी आप वन में जाकर के भगवान की आराधना करें भगवान से प्यार करें प्रभु से प्रेम करेंगे तो अमृत की बरसात होगी क्यों कि भगवान के नाम में अमृत ही अमृत है। आप चाहे कोई भी भजन गाओ हर कोई भजन
पुराना हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता है। भगवान का नाम हमेशा नया की नया रहता है, उसमें तनिक भी बदलाव नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं गोकर्ण जी महाराज, पिताजी से पिताजी वन में जाकर के भगवान का नाम लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। लेकिन एक दिन जब उनके पिताजी वन में जाकर के भगवान का भजन करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो गए, चले गए भगवान के धाम के लिए, लेकिन उसके उपरांत जो धुंधकारी था ना, उसने क्या किया, जब पिताजी तो चले गए वन में, लेकिन गोकर्ण जी महाराज चारों धामों की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। बल अब यहाँ पिताजी नहीं है, मुझे वन में जाकर के चारों धामों में जाकर के यात्रा करनी चाहिए। अब घर में रह जाती कौन, धुंधली और धुंधकारी। पिता के चले जाने पर धुंधकारी क्या कहता है कि पितुर्यो परते तेनो जननी ताड़ता भ्रसम कवितम तिष्ठते ब्रूहि हनिस्से लत्तया नचेत। पिता आत्मदेव के मरने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा, अपनी माँ को इतना पीटा कि पीटते पीटते वह बेहोश हो गई। लेकिन तब उनको होश आया। धुंधकारी कह रहा है कि जल्दी बता धन कहाँ पर गड़ा हुआ है, नहीं तो तुझे लातों के प्रहार से अभी मार दूंगा। लेकिन वह धुंधली का क्या कहती है, अरे पुत्र, मैंने तेरे कारण मैंने गाय के समान भोले भाले पति देव को झूठ बोला, मैंने तेरे कारण, और आज तू मुझे मारने के लिए उतारू हो रहा है, तैयार हो रहा है। एक बात बताएं, पुराने जमाने में भाई लोग बहुत सीधे साधे होते थे, बहुत सीधे होते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना है, कंप्यूटर जमाना है, भाई लोग बड़े चतुर चालाक हो गए। लेकिन इन भाई लोगों को सीधा साधा बनाने की दवाई माता बहनों के पास में है। बोल कौन सी दवाई है, आपको बताएं दवाई कौन सी दवाई है माता बहनों के पास में। क्यों कि भाई लोग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर जाते हैं भाई लोग, और भाई लोग कहते हैं बोल जल्दी से टिफिन पैक कर देना, हमको ड्यूटी पर जाना है। माता बहनें क्या करती हैं कि आटा गूंद करके फ्रिज में रख देती हैं, सब्जी बना करके फ्रिज में रख देती हैं, और जब ड्यूटी पे जल्दी जाना होता है ना, जल्दी से जग करके रोटियां बनाई और टिफिन में पैक करके भेज दी, वो ले जाइए। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है, सबसे पहली रोटी होती है गौ माता की, सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है, और सबसे पीछे की रोटी किसकी होती है, घों भों करने वाले की। लेकिन क्या होता है, सबसे पहली रोटी को बनाया और टिफिन में पैक कर दिया, जाकर के पति देव ने लंच में खा लिया। जो जिसका भाग खाता है उसके जैसा तो होना ही पड़ता है ना, उसके जैसे गुण आएंगे ही आएंगे। अब जब पति देव ने गाय की रोटी को खा लिया तो गाय के समान भोले भाले हो गए, और पीछे की रोटी को माता बहनें क्या करती है, सबसे मोटी बनाती है और मलाईदार दूध में डाल करके दो चम्मच घी ऊपर से डाल देती है। और जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो क्या कहती है माता बहने, मेरा तो दो रोटी का खर्चा है, एक सुबह खाती हूँ एक शाम को खाती हूँ, मेरा क्या है, मैं तो अपने मायके में चली जाऊंगी। ये धमकी ऊपर से है। क्यों कि सबसे पीछे की रोटी को मोटा बना लेती है और खा जाती है, जबकि सबसे पीछे की रोटी भों भों करने वाले की होती है। और भाई लोग
यदि कुछ कहने लग जाएं तो माता बहने ज्यादा कहती हैं तो सासू माँ क्या कहती है, बोल देख ले सर पे इसको कितना चढ़ा रखा है, कुछ बोलता भी तो नहीं है। बोले कैसे, क्यों कि गाय की रोटी खिला खिला करके गाय के समान भोला भाला बना दिया है। इसीलिए भक्तों वो धुंधली कह रही है कि मैंने अपने पति देव को गाय के समान भोले भाले पति देव को तेरे कारण झूठ बोला और आज तू मुझे मारने के लिए तैयार हो रहा है। आज उसी रात में वह धुंधली कुएं में जाकर के गिर जाती है, अपने प्राण त्याग देती है। मर गई बेचारी, अब घर में रह गया अकेला धुंधकारी। उसने क्या किया, पांच वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। पांच वेश्याएं कहती हैं अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, ये सोने चांदी के आभूषण आदि चाहिए, अच्छा सुनने के लिए चाहिए। अब तो धुंधकारी धीरे धीरे चोरी करने लगा और ज्यादा डांका डालने लगा। एक दिन हुआ क्या, धुंधकारी किसी राजा के राज्य में जाकर के वहां से बहुत सारा सोना चांदी चुरा करके ले आया। उन वेश्याओं ने देखा कि ये तो किसी राजा के खजाने के आभूषण हैं, यदि राजा को पता चल गया तो राजा हमको भी मार देगा और इसे भी मार देगा, ये सोना चांदी आभूषण ये सब ले जाएगा। इसलिए क्या किया जाए, हम ही इस धुंधकारी को मार करके अन्यत्र चली चले। आज धुंधकारी शाम के टाइम पर वे शिकार खेल करके आया, हारा थका चार पाई पर लेट गया। पांचों वेश्याओं ने जैसे उसको नींद आई, पांचों वेश्याओं ने हाथ भी बांध दिए और पैर भी बांध दिए और उनको डंडे से पीटने लग रही है। वह चिल्ला रहा है मुझे खोलिए मुझे खोलिए, लेकिन वह खोलती नहीं। पास में अग्नि जल रही थी, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूंस दिए। तपता अंगारा समूहश्च, जलते हुए अंगारे ठूंस दिए और वह छटपटा करके मर गया। पांचों वेश्याओं ने वही गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया और कुछ दिन के बाद में दूसरी जगह चली गई। आज जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, चल करके देखते हैं। जब वह अपने गांव की तरफ आया भ्रमण करते हुए, एक बात बताएं, जननी जन्मभूमश्च, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के बताई गई है। चाहे हम अपने पैसा के बल पर, डिग्रियों के बल पर, चाहे हम विदेश में चले जाएं, लेकिन एक दिन अपनी जन्मभूमि की और जननी माता की जरूर याद आती है। आपने मान लीजिए डिग्री ले ली, आप चले गए विदेश में और वहां जाकर के क्या कहेंगे कि हमारे हिसार जिले के अंतर्गत एक डाटा नाम का गांव है, सिसाई नाम का गांव है, उसमें हमारी एक गौशाला भी है पड़ोस में, बहुत बड़ी गौशाला। जरूर याद आती है कि नहीं आती है, एक समय याद आती है। लेकिन आज गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ यात्रा करते समय अपनी जन्मभूमि की याद आ गई। आ गए जन्मभूमि पर, जैसे ही आए रात्रि के समय पर उस घर के मकान में जैसे ही प्रवेश किया सोने लग गए, सोने लगे। वहां कभी मेढे की आवाज आती है, कभी हाथी की आवाज आती है, कभी शेर की आवाज आती है, कभी गधे की जैसी आवाज आती है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अरे तुम कौन हो जो चिल्ला रहे हो, क्या कारण है बताइए तो सही, कौन हो यहाँ इस मकान में रहने वाले। लेकिन एक बात बताएं, जो महान प्रेत होता है ना उसमें बोलने की क्षमता नहीं रहती है,
बोल नहीं सकता है, उसका मुंह सुई के नोक के बराबर होता है, बोल नहीं पाता है। लेकिन जब गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जैसे छींटा लगाया, उसमें बोलने की शक्ति आ गई। वही जो महान प्रेत बना हुआ था, कौन? धुंधकारी, जो वैश्याएं गाड़ करके चली गई। वही कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने सुना था कि आपकी मृत्यु हो गई है, तो मैंने आपके निमित्त गया में जाकर के पिंड दान कर दिया, मैंने श्राद्ध कर दिया, लेकिन फिर भी आप मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी कहता है कि आप गया में जाकर के एक नहीं, चाहे 100 पिंड दान कर दें, लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? कि मैंने घोर अपराध किया है, मैंने घोर पाप किया है। आप मेरी मुक्ति का उपाय सोचें। गोकर्ण जी महाराज को रात्रि में नींद नहीं आई, नींद नहीं आई रात्रि में, रात्रि भर सोचते रहे, कोई उपाय नहीं सूझा। अपने सभी ब्राह्मणों को बुलाया, नगर के ब्राह्मणों को बताया कि हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी मुक्ति का उपाय बताएं। लेकिन सभी ब्राह्मण निष्फल हो गए। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे त्रिभुवन भास्कर, मेरे भाई की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताएं। उसी समय सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप यदि अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करें तो आपके भाई की मुक्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई की मुक्ति के लिए, प्रेत उद्धार के लिए, प्रेत बाधा के लिए भागवत यज्ञ प्रारंभ कर दी। लेकिन वहां श्रोता बहुत हैं, सुनने वाले, लेकिन प्रभक्तो वहां धुंधकारी कैसे आए सुनने के लिए? धुंधकारी तो चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, उसके लिए स्थान कौन कहां दे? लेकिन पास में एक बांस का बिरा था, बांस का झुंड था, उसी बांस के झुंड में एक सात गांठ का हरा बांस था, उसके निचले भाग में जाकर के वह धुंधकारी जो महान प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, निचले भाग में जाकर के बैठ गया। जब पहले दिन की कथा समाप्त हुई प्रभक्तो, तो पहली गांठ फट गई, और जब दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी गांठ फट गई। गोकर्ण जी महाराज कथा कर रहे हैं, तीसरे दिन की कथा समाप्ति पर तीसरी गांठें फट गई, सात दिन की कथा समाप्त पर सातों गांठें फट जाती हैं, और उसी बांस में से वे दिव्य रूप धारण कर लेता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब धुंधकारी क्या कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ऐसी भागवत धन्य है जो प्रेत पीड़ा का विनाश कर देती है। उसी समय भगवान के धाम से, गोलोक धाम से भगवान के पार्षद आए विमान को लेकर के, और उस धुंधकारी को उस विमान में बिठा करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे ये बताइए तुम कौन हो और ये कौन है जिसे तुम विमान में बिठा करके ले जा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, बोल हम भगवान के पार्षद हैं, और ये धुंधकारी जो महान प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, आज ये दिव्य रूप लेकर के भगवान के लिए धाम को जा रहा है, भगवान के धाम को। बोल क्यों? इसने कथा सुनी है
अरे यहाँ कथा सुनने वाले तो बहुत थे, इसी के लिए विमान क्यों आया है? भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो ये धुंधकारी दिन में कथा सुनता था, रात्रि में ये कथा का चिंतन करता था, भगवान का नाम लेता था, इसने व्रत रख करके उपवास रख करके भागवत कथा को श्रवण किया है, इसीलिए इसके लिए विमान आया है। यदि आप इन सबको बैकुंठ ले जाना चाहते हैं तो अगली बार सब लोग व्रत रख करके उपवास रख करके भागवत कथा श्रवण करेंगे तो सबके लिए अलग अलग विमान आएगा। आज गोलोक धाम के लिए धुंधकारी महान प्रेत योनि से छुटकारा पा करके दिव्य रूप लेकर के भगवान के धाम के लिए चला गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। देखिए कहा गया आखे जो जैसा करता है वैसा पाता है, धुंधकारी ने किया तो उसने ऐसा मुक्ति पाई। अर जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे तो हरिद्वार ना जाएं, मथुरा ना जाएं, वृंदावन ना जाएं, मगर जो सबसे बड़ी पूजा बताई है, सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, जन्नत का द्वार खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजो मूरत, चाहे न तीरथ जाओ, चाहे न पूजो मूरत, चाहे न तीरथ जाओ, मात पिता के तन में सारे देव समाए, माऊ इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, तो
तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। बोले रे वैसे महाराज जी कोई भरत तो चल नहीं रहा, मेरे भक्तो आवाज नहीं आ रही जयकारेगी। सत्य बात है कि यदि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। धुंधकारी ने कितने महान कुकर्म किए, महान कुकर्म करने के उपरांत वह महान प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी उसने प्रेत योनि को प्राप्त करके दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। कथा को श्रवण करके उसने भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। एक बात बताएं, मान लीजिए आपसे कोई पाप हो गया है जाने में अनजाने में, लेकिन आप आज से ये संकल्प ले लें कि हम गौशाला में बैठ करके गौ माता के सन्निकट बैठ करके हम ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, तो प्रभु निश्चित है आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके उपरांत आपने यदि कोई पाप कर्म कर दिया तो वह वज्र के समान बन जाता है। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे जाने में अनजाने में कोई पाप कर्म नहीं बने। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, वही कार्य कीजिए। लेकिन तो भगवान की शरण में कोई आकर के देखे तो सही, आपने चाहे लाखों पाप कर दिए, करोड़ों पाप कर दिए, लेकिन फिर भी आप हार करके भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान उसे अपना लेते हैं कि ये मेरा जीव मेरा भक्त आखिर मेरी शरण में आ गया है, इसके पाप नष्ट कर दूं। कितना बड़ा प्रभु अपराध किया और आज धुंधकारी महान प्रेत योनि से छूट करके भगवान के धाम के लिए विमान में बैठ कर के चला गया है, चला गया भगवान के धाम को। दूसरी बार सभी श्रोताओं को भगवान के धाम ले जाने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य कथा का प्रारंभ किया और सभी श्रोताओं ने मिलकर के वे भागवत कथा श्रवण की, उपवास रख कर के अपने नियमों का पालन करते हुए की और सब भगवान के धाम के लिए चले गए। प्रभु कहते हैं कि वह फल तपस्याओं से प्राप्त नहीं होता है, जो फल प्रतिदिन भागवत कथा श्रवण करने से मिल जाता है, 7 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि मनुष्य का दोबारा जन्म नहीं होता है, जो व्यक्ति 7 दिन संकल्प लेकर के भागवत कथा श्रवण कर लेता है। हे नारद, अब तुम्हें मैं सप्ताह श्रवण की विधि बतलाता हूँ, किस प्रकार भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं कि सबसे पहले ज्योतिषी से मुहूर्त पूछें, ये कितना बड़ा पावन समय, जो होली का परम पावन समय चल रहा है, और वो भी कितना अच्छा मुहूर्त है। पर भक्तो आज अष्टमी तिथि, अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, और वो भी कहां, गौ माता के प्रांगण में बैठकर के आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले ज्योतिषी से मुहूर्त पूछें, मंडप को अच्छी तरीका से सजाएं,
चारों तरफ से कलशों की सजावट करें। मंडप कितना अच्छा बनाया हुआ है आप लोगों की व्यवस्था, क्यों कि श्रोताओं को जब तक बैठने की व्यवस्था नहीं होती है ना, तब तक श्रोताओं को सुनने में आनंद नहीं आएगा। मान लीजिए ये गद्दे नहीं डाले जाते, आपको मैटों पर बिठाया जाता तो आपको शायद कष्ट होता कि हमारे तो पैर दुख रहे हैं, हमसे बैठा नहीं जाता है। इसीलिए श्रोताओं की सुविधा के लिए मंडप अच्छा होना चाहिए और गणेश नवग्रह आदि की वेदियां होनी चाहिए, रोजाना पूजा होनी चाहिए सर्वतोभद्र मंडल आदि की। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ वेदियां कहाँ पर हैं, लेकिन एक बात बताएं, हमारी गौशाला में बंदरों का आतंक विशेष है। बंदरों के आतंक की वजह से हमने वेदियां उस कमरे में बना रखी हैं, वहां हमारे बलवान जी पूजा कराते हैं। नवग्रह आदि सर्वतो भद्र मंडल आदि की वेदियां होनी चाहिए, रोजाना पूजा होनी चाहिए और एक समय पत्तल पर बैठ कर के भोजन करना चाहिए। वैसे तो नियम है कि श्रोता और वक्ता को, सुनने वालों को और कथा कहने वालों को, दोनों को घी पी करके कथा सुननी चाहिए और कथा कहनी चाहिए। लेकिन आजकल किसी की हिम्मत नहीं जो घी पी करके कथा सुना दे। एक चम्मच घी खा ले तो पेट खराब हो जाता है। अरे यदि माने एक गिलास दूध फालतू पी लेते हैं ना, तब भी मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कहते हैं यदि आप घी पी करके कथा नहीं सुन सकते हैं तो फल लेकर के, फल खा करके कथा सुननी चाहिए। यदि इतने पर भी आपको भूख ज्यादा सताती है तो एक समय फलार करें, एक समय भोजन करें। यदि इतने पर भी आपको ज्यादा भूख लगती है तो दोनों समय भोजन कीजिए, लेकिन स्वल्प आहार यानी थोड़ा भोजन। थोड़ा भोजन क्यों बताया, चाहे आप दिन में चार बार भोजन कीजिए लेकिन थोड़ा कीजिए। क्यों, यदि आप ज्यादा भोजन करेंगे तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा निद्रा देवी सताएगी, निद्रा देवी सताएगी तो हम कथा नहीं सुन पाएंगे। फिर क्या कहेंगे, बोल पंडित जी ने कल बहन कौन सी कथा सुनाई मुझे बताना, बोल तुम कहाँ थी, बोल मैं थी तो वहीं लेकिन मुझे निद्रा देवी आ गई, नींद आ गई। इसीलिए कहते हैं ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए कथा सुनने के लिए। लेकिन एक बात बताएं, चाहे आप दिन में चार बार भोजन कीजिए लेकिन कथा सुनने के लिए आइए, स्वल्प आहार कीजिए। ये व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत माने होता है प्रतिज्ञा, व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। एक होता है व्रत, एक होता है भर्त। जिस दिन हम सोमवार का व्रत करती हैं, एकादशी का व्रत करती हैं, उस दिन मालूम है दूसरी बहन पूछती है, बोल बहन आज तुमने क्या खाया, बोल आधा किलो सेब, आधा किलो केला और आधा किलो पेड़ा, आधा किलो रबड़ी और सामक की खीर और कुटू के पकौड़े, कितना खाया, क्या तुमने भर्त किया, किसी गड्ढे को भरा। अरे भर्त नहीं, व्रत करना है। व्रत माने होती है प्रतिज्ञा कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, पांच ज्ञानेन्द्री, पांच कर्मेन्द्री, ग्यारहवां मन, इसको कंट्रोल में करके मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आज के उपरांत हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। व्रत किया जाता है इसलिए, एक होता है भर्त, एक होता है व्रत। यदि मान लीजिए आप भोजन नहीं करें तो कथा पेट में कुटर कुटर होगी, चूहा कूदेंगे, बोल पंडित जी ने तो बहुत टाइम लगा दिया कथा सुनते सुनते, हमको तो भूख लग रही है, जय हो भागवत मैया, हम जाते हैं, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए आप स्वल्प आहार कीजिए, फलार कीजिए, थोड़ा भोजन कीजिए, लेकिन कथा श्रवण जरूर कीजिए। और
कथा कहने वाला ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छी तरीका से समझा सके, जो मंत्र भी बोले, दृष्टांत भी सुनाए और भागवत कथा को अच्छी तरीका से श्रवण कराए। और कहते हैं कि सप्ताह यज्ञ करने के बाद में, भागवत कथा सुनने के बाद में हवन करे विधि विधान से, और हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और भोजन करा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, और दक्षिणा देकर के आदर पूर्वक उनको विदा करें, सम्मान पूर्वक। हे सोनक, मनुष्य शरीर पाकर के जिसने श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण नहीं किया हो एवं पुराण पुरुष भगवान की पूजा नहीं की हो, उसके जीवन को बार बार धिक्कार है। और कहते हैं एक बार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए जरूर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए और भागवत कथा करानी चाहिए। क्यों? कि हमारे पितरों का कल्याण तभी होता है। मान लीजिए हमारे घर में, परिवार में यदि अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। कहते हैं भागवत भगवान कहती है कि दारिद्र दुख ज्वर दाहितानाम माया पिशाची परमर्दितानाम संसार सिंधु परपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। भागवत भगवान गर्जना करती है कि चाहे व्यक्ति दरिद्र क्यों ना हो, कोड़ी क्यों ना हो, कलंकी क्यों ना हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार के दुख से दुखी क्यों ना हो, यदि वह भागवत की शरण में आ जाता है और एक बार भागवत कथा करा करके श्रवण कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है परवक्तो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि भागवत भगवान की 108 परिक्रमा करने से गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? कि जहाँ भागवत कथा होती है, जहाँ भागवत यज्ञ होती है, वहाँ 33 कोटि देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए हमको प्रतिदिन 108 भागवत की परिक्रमा करनी चाहिए। उस 108 परिक्रमा करने से हमको घर बैठे ही गिरिराज महाराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि 108 परिक्रमा हम कैसे करें? अरे आप अपने घर से गिन करके कोई टॉफी ले आइए, कोई बादाम गिन लीजिए, किशमिश गिन लीजिए, मनिका गिन लीजिए, वो गिन करके लाइए और एक परिक्रमा हो जाए या भागवत जी के सामने विराजमान कर दीजिए, रख दीजिए। ऐसे 108 परिक्रमा करके और भागवत भगवान को प्रणाम करके और बाबा श्री लालदास बाबा के दर्शन करके अपने स्थान को प्रस्थान कर जाएं, ये तभी भागवत सप्ताह सुनने का फल प्राप्त होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। प्रवक्तो इसीलिए तो कहते हैं कि तुम करो कथा से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। आपने सुना था थोड़ी देर पहले, लेकिन एक बात बताएं, भागवत कथा जब सुनते हैं तो भागवत कहते हैं तो भागवत कहने में कितने अक्षर आते हैं? 4 अक्षर, भा ग व और ता। ये भागवत में 4 अक्षर हैं। कहते हैं कि भाग के कहते भाग्य उदय होत जीवन को, भाग के कहे से भाग्य उदय होत जीवन को, गा के कहे से गुमान गिर जावे गो, गुमान माने अहंकार। भागवत कथा सुनने जब आते हैं ना, भक्ति को लेकर के अहंकार को घर पर छोड़ करके ही आना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचें कि हम तो अमुक सरपंच हैं, अमुक सेठानी हैं, हमको वहां जाकर के VIP सीट मिलेगी, VIP कुर्सी मिलेगी, नहीं। इस इतने मान
मान सम्मान को घर पर छोड़ कर के आइए। क्यों कि आप गौ माता की शरण में बैठ कर के भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, शरण में जा रहे हैं। और जो एक बार शरण में चला जाता है ना, भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है, उसका हाथ पकड़ करके वैकुंठ धाम को ले जाते हैं। भाग के कहे थे भाग्य उदय होत जीवन को, गा के कहे से गुमान गिर जावे को, और वा के कहे से वाणी पवित्र होत, और ता के कहे से भवसिंध तर जावे को। इसीलिए भागवत सुन करके भवसागर से पार हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भाषा आप लोगों की समझ में नहीं आ रही हो? समझ में तो आ रही है ना? हाँ, जब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगी तब तक हमारा कथा कहना बिल्कुल व्यर्थ है। आप लोगों की समझ में आएगी तभी हम कथा कहने का हमको फल प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक बार भी भागवत शब्द उच्चारण कर लेता है तो निश्चित ही वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लेता है। तो एक बात बताएं, हमारे इस दुनिया में जितने भी सदग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को उठा करके देखते हैं। जिस ग्रंथ को आप उठा करके देखेंगे, मान लीजिए आपने रामचरितमानस को उठा करके देखा, रामायण को उठा करके पढ़ना प्रारंभ किया, तो उसमें राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, सीता जी की वंदना, अयोध्या की वंदना, और शिव पुराण को उठा करके देखते हैं तो शिव जी की वंदना, पार्वती जी की वंदना, भगवान शंकर के गणों की वंदना। जिस ग्रंथ को उठा करके देखते हैं वही ग्रंथ में उसी की वंदना होती है। लेकिन हमारा जो श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा सद ग्रंथ है जिसमें किसी की वंदना नहीं की गई है, और वंदना की गई है तो केवल सत्य की वंदना की गई है। कैसे कि जन्माद्यस्यतोऽन्वया दितरतस चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो बार मृदां यथा विनिमयो यत्र त्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्य ही श्री कृष्ण है जो माया के कर्मों से सदा अलग रहते हैं। ऐसे परम दयालु परम सत्य की हम बारंबार वंदना करते हैं। बोलिए श्री सत्य भगवान की जय। सत्यम परम धीमहि, भागवत में पहले भी सत्य, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य। वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि जीवन में केवल सत्य पर चलना चाहिए। सत्य पर चलेंगे तभी हमारी पूजा पाठ सार्थक होगी। फिर भक्तों, इसीलिए वेद व्यास जी बताते हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्यम परम धीमहि। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अरे सत्य से बढ़कर के कोई धर्म है ही नहीं, और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बार बार बात बात पर हम लोग झूठ बोल देते हैं। और सबसे ज्यादा झूठ बुलवाने के लिए मालूम है कौन सा आइटम चल गया है आजकल? मालूम है, ये मोबाइल सबसे ज्यादा झूठ बुलवाता है। ये मोबाइल क्यों? कि आपसे किसी को पैसा लेना है तो आपके पास में फोन करेंगे, बोल भैया जी कहाँ पर हो? आप क्या कह देंगे? बोल मैं तो हिसार गया हुआ हूँ। लेकिन हो घर के अंदर ही,
झूठ बोल दिया। इसीलिए सबसे ज्यादा झूठ बुलवाने वाला ये मोबाइल यंत्र चल गया है। और कलयुग में सर्वत्र झूठ का ही बोलबाला हो जाएगा। जो सत्य बोलेगा उसी की परमात्मा परमपिता परमात्मा रक्षा करेगा। और जो झूठ बोलने पर उतारू हो गया ना, धीरे धीरे उसका पुण्य का घड़ा समाप्त होता चला जाता है, पाप का घड़ा भरना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपसे यदि कोई पूजा हो रही है तो आप उसका संकल्प लीजिए, अथवा आपसे कोई पूजा नहीं हो रही है तो आप उसका संकल्प मत लीजिए, लेकिन झूठ मत बोलो। कह दीजिए सामने वाले से, मैंने आपके निमित्त इतना जाप किया है, इसका फल आपको परमात्मा परमात्मा देगा। लेकिन ये मत कहिए कि मैंने इतना जाप कर दिया। मान लीजिए किसी ने 1,25,000 गायत्री मंत्र का जाप करवाया ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों ने किया है 80,000 जाप किया है, रह गया 45,000 बाकी। लेकिन यजमान से कह दीजिए, मैंने इस समय आपके निमित्त 80,000 मंत्र जाप किया है, इसका फल आपको परमात्मा देगा। हम नहीं दे सकते, क्यों कि कर्म करना हमारा फर्ज है और फल देना परमात्मा की जिम्मेदारी है। हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं तन से और मन से और धन से, लेकिन फल कौन देगा? परमात्मा। हम सोचे कि आज हमने गौ माता की सेवा की है, गौ माता के निमित्त आज हमने 1100 रुपए की रसीद कटाई है तो कल हमको फल मिल जाए, नहीं। ये पूजा पाठ जो होती है ना, ये एक आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका फल समय में मिलता है, बहुत समय लगा देता है। ये कोई अंग्रेजी दवा नहीं है जो एक टैबलेट लेते ही हमारा बुखार उतर गया। आप आज दान करोगे आपको कम से कम 6 महीने में फल प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं आप झूठ न बोले। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीवन में सत्य पर चलना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैत्रबुद्ध परमो निर्मित सराणाम सताम वैद्य वास्तव वस्तु वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? कहते हैं कृष्ण कथा का वर्णन ही परम धर्म है। कृष्ण कथा का वर्णन भागवत में किया गया है, लेकिन वो भागवत कथा कैसी है? कहते हैं कि शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो हमेशा कल्याण करने वाली है। जो कृष्ण कथा तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देती है वो एक कथा है, कृष्ण कथा भागवत कथा। वो तीन प्रकार के ताप कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुनी व्यापा। यदि हम भागवत कथा सुनने का संकल्प ले लेते हैं, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और भागवत जी का स्वरूप चिन्मयी है। लेकिन एक बात बताएं, ये भागवत जी का प्रारंभ हमारी इस पृथ्वी पर कैसे हुआ है? भागवत जी का इस पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ? लेकिन कहते पर भक्तों के निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भूभाव का। श्रीमद् भागवत महापुराण एक कल्प वृक्ष का फल है। यह फल पका हुआ है, वेद रूपी फल है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि फल को तो खाना चाहिए, ये फल भागवत रूपी फल सबसे पहले कहाँ आया? भगवान नारायण की शाखा पर लटका। नारायण भगवान ने देखा कि ये हमारी शाखा पर आ तो गया है, लेकिन इसको पकाना चाहिए। नारायण भगवान ने अपने मंत्रों से पकाया और जब उनकी दृष्टि में ये फल पक गया, आपने देखा होगा जो डाली पर जो फल पकता है ना, पकते ही वह फल डाली से अलग हो जाता है। खरबूजा जब पकता है ना,
पकते ही उस बेल में से उस डाली में से अलग हो जाता है। और जो फल नहीं पकता है ना डाली पर, उसको हम तोड़ लेते हैं, वह फल कच्चा रह जाता है। भगवान नारायण की शाखा पर ये फल लटका, लेकिन भगवान ने अपने मंत्रों से पकाया, जब उनकी दृष्टि में पक गया तो ये फल गिर गया। जैसे फल गिरा तो ब्रह्मा जी ने लपक लिया। ब्रह्मा जी ने घुमा करके देखा ये फल तो एकदम कच्चा है। उन्होंने फिर इसको अपने मंत्रों के द्वारा पकाया ब्रह्मा जी ने। और जब ब्रह्मा जी की दृष्टि में जब ये पक गया तो यही फल कहां नारद जी की शाखा पर आकर के लटक गया। नारद जी की शाखा पर आकर के लटक गया। नारद जी ने देखा कि यह फल एकदम कच्चा है। नारद जी ने अपने मंत्रों से पकाया कई सालों तक। जब उनकी दृष्टि में पक गया वही फल टपक करके कहां वेद व्यास जी की शाखा पर जाकर के पहुंच गया। और जब वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि ये फल तो एकदम कच्चा है, पका नहीं है, उन्होंने अपने मंत्रों से पकाया। जब उनकी दृष्टि में पक गया तो यही फल कहां सुखदेव जी की शाखा पर जाकर के अटक गया। सुखदेव जी ने लपक लिया। सुखदेव जी ने जैसे देखा ये फल तो कच्चा है, इसको पकाना चाहिए, उन्होंने गुफाओं में जाकर के अपने मंत्रों के द्वारा इस भागवत पर मंथन किया, इस भागवत रूपी फल का चिंतन किया। और जब चिंतन करते करते जब उनकी दृष्टि में ये फल पक गया तो कर भक्तो उसी समय कब जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी की समाधि खुली और उसी भागवत को लेकर के गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए सुखदेव जी महाराज। और राजा परीक्षित को उस सभा के बीच में ऋषियों के बीच में जब दिव्य भागवत कथा श्रवण कराई, उसी प्रकार ये भगवान नारायण की शाखा से धीरे धीरे टपकते टपकते हमारे ऋषियों को ये प्राप्त हुई भागवत महापुराण। और उन ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए राजा परीक्षित को श्रवण कराई। और राजा परीक्षित के बाद में प्रभक्तों ब्राह्मण लोग जन जन में जाकर के शहर शहर में जाकर के भागवत का प्रचार करते हैं। क्यों कि घोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में किसी भी प्रकार से कलयुगी प्राणियों का कल्याण हो जाए, इसीलिए भागवत कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण देवता प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आजकल सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो सुनने के लिए क्या कहते हैं, अरे वहाँ कैसी कथा हो रही है, कुछ नाच गाना होता है कि नहीं होता है, ये हकीकत है। यदि वहाँ नाच गाना ज्यादा हो, झांकियाँ ज्यादा देखने को मिले तो माता बहन भाई लोगों की भीड़ लग जाती है। और जहाँ जो भागवत कथा का सार श्रवण कराते हैं वहाँ थोड़े बहुत श्रोता होते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। क्यों कि कलयुगी माया है ना, ये माया जीव को कथा सुनने नहीं देती है। लेकिन कहते हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी का मुंह लगने से ये फल मीठा हो गया। अब ये कहेंगे कि फल में गुठली होती है, छिलका होता है, उस गुठली को फेंक देना चाहिए, छिलका को फेंक देना चाहिए। छिलका नहीं बोल क्या है, अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो केवल अमृत रस भरा हुआ है। इस भागवत रस को पियो जितना हो सके उतना। बोल पियो क्यों कहा, अरे इसको पीने के लिए तो हमको तो दोने की जरूरत पड़ेगी, किसी बर्तन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नहीं, परमपिता परमात्मा ने भागवत रस को पीने के लिए सबसे पहले हमको दो दोना दे दिए हैं। बोल कौन सी दोना, ये कान रूपी दोना, इन कानों से सुन करके अंदर ले जाएं। किसी ने पूछा बोले कान किस लिए बनाए, बोल जब बूढ़े हो जाते हैं ना, जब चश्मा लगाने के लिए, चश्मा टांकने के लिए, बोल नहीं चश्मा लगाने के लिए नहीं,
ये तो केवल सत्संग सुनने के लिए बनाए हैं और मुहर मुहर बार बार इस रस को पियो, जितना पियेंगे उतना ही आनंद मिलेगा। प्यारे भक्तों पियो क्यों कहा, जिस बात को सुन करके इधर से सुने इधर निकाल दे वो कोई पीना नहीं है, अरे सुन करके अंदर ले जाएं और अंदर ले जा करके रात्रि में मंथन करें, उसका चिंतन करें, तभी हमको भागवत रस का फल प्राप्त होगा। एक बात बताएं, एक सत्संगी महात्मा थे, सत्संगी पुरुष थे, उन्होंने दो मूर्तियां बनाई, दोनों ही मूर्तियां हैं पीतल की और वो ही 40-40 किलो पीतल की बनाई और वो बाजार में जाकर के आवाज लगाता है, अरे कोई मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो। भीड़ लग गई, बोल महाराज ये मूर्ति कितने की है, बोल एक मूर्ति है 10 रुपए की और एक मूर्ति है 10 लाख रुपए की। बोल इतना अंतर क्यों, इसमें क्या कोई सोने की, बोल नहीं सोने की नहीं, दोनों ही पीतल की है। भीड़ लगी हुई थी, वहाँ कोई महात्मा आए देख करके कहा, बोले ये भीड़ क्यों लग रही है, बोले मूर्ति बेचने वाला मूर्ति बेच रहा है और एक मूर्ति दे रहा है 10 रुपए की, एक दे रहा है 10 लाख रुपए की, इतना अंतर। बोले मैं इसकी परीक्षा ले सकता हूँ, बोले हाँ आप परीक्षा लीजिए। उस महात्मा ने एक धागा लिया, धागे को बट करके मूर्ति के कान में डाला, इस कान में डाला वो इस कान से पार निकल गया और दूसरी मूर्ति के कान में डाला, इस कान में डाला वो अंदर चला गया। वो संत महाराज कह रहे हैं जो इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देता है ना, वो मूर्ति है 10 रुपए की और सुन करके इस कान से अंदर ले जाता है वो मूर्ति 10 लाख रुपए की है। 10 लाख की नहीं, 10 करोड़ की है, 10 अरब की है। एक बात बताएं, ये 10 करोड़ 10 अरब की नहीं, अनमोल है। क्यों, मान लीजिए हमने आपसे कहा, बोल बहन जी आप अपनी उंगली दे दीजिए, आप हमसे 10 लाख रुपए ले लीजिए, बोल नहीं नहीं देंगे। अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप हमसे 10 अरब रुपए ले लीजिए, अपनी गर्दन दे दीजिए, बोल नहीं दूंगी। बोल क्यों, अरे जीवन मरने के लिए थोड़े ही है, ये तो अनमोल है। इसीलिए कहते हैं भक्तों, ये मनुष्य जन्म जो है 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिला है। दुर्लभ हो मानसो देहो देहनाम क्षण भंगुरा तथापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते हैं कि मानव जन्म अनमोल रे और मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ये मनुष्य जन्म जो है ना प्यारे भक्तों अनमोल है, इसका मोल है ही नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सत्संग में तू जाया कर, गीत हरि के गाया कर, सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर।
शाम सवेरे बैठ के बंदे हर से ध्यान लगाया कर, साँझ सवेरे बैठ के बंदे हर से भजन लगाया कर। हाँ जी, शाम सवेरे बैठ के बंदे हर से ध्यान लगाया कर, साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु से ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कोई मोल रे, मिट्टी में मत ढोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कर गर्व जवानी का, बुरा है वाणी का मत कर गर्व जवानी का, बुदू मुदा है पानी का मत कर गर्व जवानी का, बुला है पानी का मत कर गर्व जवानी का। ये पुण्य कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, पुण्य कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का। हाँ, पुण्य कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, पुण्य कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का। रन के मन मोल रे, मिट्टी में मत ढोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। फसता जंजाल का, जीवन है दिन चार का, तो फसता जंजाल का। अजी जीवन है दिन चार का, क्यों करता जंजाल का। जीवन है दिन चार का, तो फसता जंजाल का। ये प्रभु को सुमरण कर ले बंदे, रस्ता है मरदाल का। प्रभु का सुमरण कर ले बंदे, मनता है मरदाल का। जिंदगी मन रोल रे, मिट्टी में मत ढोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अमोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म मन मोल रे, मिट्टी में मत ढोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म मन मोल रे, मिट्टी में मत ढोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी कभी नहीं। बोलिए संत भगवान की, गौ माता की जय हो, जय जय श्री राधे।
इसीलिए कहते हैं भक्तों, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। दुर्लभो मानसो देहो, ये मनुष्य देही दुर्लभ है, 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत हमने इसको प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी हम इसको धीरे धीरे गमा रहे हैं, धीरे धीरे ये समय चलता चला जा रहा है। 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन का मेला, और आया है अकेला जग में, जाएगा अकेला। यहाँ कोई किसी का नाती पोता नहीं है, कोई किसी का बेटा बहू नहीं है, ये कोठी बंगला साथ जाने वाली नहीं है, अकेला ही आया है, अकेला जाएगा। लेकिन फिर भी हम इस पर गर्व करते हैं, जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। मानेंगे कब? जब भगवान के डंडे पड़ेंगे ना, डंडे पड़ेंगे यमराज के, तब मानते, तब याद करते हैं। उससे पहले याद नहीं, क्यों? कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाता है ना, बेटा बड़ा हो जाता है, बेटा बहू का घर में राज चलता है, और माता बहने बड़ी बूढ़ी, माता बहने चार पाई पर बैठी बैठी चाय के लिए चिल्लाती रहती है, अरे बहू चाय दे दे। बहू क्या कहती है? अरे कम से कम धैर्य धारण करो, अरे रुक तो जाओ, कब से चिल्ला रही हो? लेकिन कहते कहते उनको 1 घंटा हो गया, बहू सुनाई नहीं कर रही है। तब बड़ी बूढ़ी मार रोती है ना, हे भगवान इससे तो अच्छा ये आप हमको उठा लीजिए। तब भजन नहीं किया, तब चिंतन नहीं किया, अब कह रही है भगवान से, कह रहे हैं कि भगवान हमको उठा लीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं आप मेरे पास में आओगे तब जब आपके कष्ट पूरे हो जाएंगे। जब क्यों? कि पहले से तो आपने कुछ किया नहीं। जब बचपन से हम भजन करने की आदत डाल देते हैं ना, तभी भगवान के भजन में मन लगता है, और तब हम बचपन से दान पुण्य करने की आदत डाल देते हैं ना, तभी हमारा हाथ दान पुण्य में आगे बढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, माता बहने आती, कोई बड़ी बड़ी माँ होती है ना, अपने पल्लू में 1 5 का सिक्का बांध करके लाती है, 3 गांठ लगा के लाती है, आगे खड़ी हो जाती है, उसको खोलते खोलते हाथ कप कप आती, और जब थाली में डालती है ना, फिर भी हाथ कप कप आ रहे हैं। क्यों कप कप आ रहे हैं? पहले से दान किया नहीं है, अब हाथ कप कप आते हैं। इसीलिए बचपन से शुरू से ही भगवान का भजन और दान पुण्य करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है। प्रभु एक बात बताएं, नेमी सारण क्षेत्र में अब हम चलते, वहाँ सूत जी महाराज ने उन ऋषियों से महात्मा के बारे में तो श्रवण कर लिया है, लेकिन सोनकादि ऋषि कहते हैं, बोल सुनो, अब हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे, प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हमने 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म मिला, लेकिन मानव के लिए ये परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? अब दूसरा प्रश्न, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं, और जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं ना, मंदिर में देवताओं की लाइन लगी रहती है, हनुमान जी महाराज, शंकर जी महाराज, दुर्गा जी, सीताराम भगवान, राधा कृष्ण भगवान, भैरव बाबा, न जाने कितने देवताएं। हमारे पास में एक जल का लोटा है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़े से चावल है, थोड़ी सी शक्कर है, हम पूजा करते करते सब देवताओं को थोड़ा थोड़ा भोग लगाते लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन आखिर में हुआ क्या? जल भी समाप्त हो गया, चीनी भी बीत गई, शक्कर भी बीत गई, चंदन चावल सब समाप्त हो गया, लेकिन हनुमान बाबा रह गए, हनुमान बाबा रह गए। हमने पूजा नहीं की, हमारे मन में ये भावना हुई कि कहीं हनुमान जी महाराज नाराज ना हो जाएं। तो हमारे हिंदू धर्म में
33 कोटि देवता हैं, हम किसकी पूजा करें जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। और तीसरा प्रश्न क्या है, भगवान ने अजन्मा होते हुए दशरथ के यहाँ राम रूप में क्यों अवतार लिया और वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण जन्म में क्यों अवतार लिया, ये बताइए। और चौथा प्रश्न क्या है कि भगवान के कितने अवतार हैं, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के कितने अवतार हैं। और पांचवा प्रश्न क्या है कि जो शास्त्रों का सार है वह हमें आप बताने की कृपा करें। और छठवा प्रश्न क्या है कि भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम के लिए गए थे तो ये धर्म किसकी शरण में गया, हम ये आपसे सुनना चाहते हैं। इस प्रकार तो नेमी सारण क्षेत्र में सूत जी महाराज से उन 88,000 ऋषियों ने ये 6 प्रकार के प्रश्न कर दिए हैं। देखिए एक बात बताएं, ये प्रश्न तो ऋषियों ने कर दिए लेकिन कथा का समय जो है फिर तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का है और आज किसी व्यवस्था के कारण, ये माइक वगैरह की व्यवस्था के कारण थोड़े से लेट हो गए थे, समय बहुत लग गया लेकिन कल से भागवत कथा का समय वही है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का है। और यदि मान लीजिए आप लोग माता बहने कहकर के आई हैं कि हम 2 बजे तक कथा सुनकर के आएंगे, कहकर के आई होंगी घर पर 2 बजे तक कथा सुनकर के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को 4 बजे तक बिठाए रखे, वो हाई वोल्टेज जो ड्यूटी पर जाते हैं तो 440 वोल्टेज और ड्यूटी से आते हैं तो डबल वोल्टेज हो जाते हैं, कौन आपके श्रीमान जी, यदि आपको घर पर नहीं पाएंगे तो क्या कहेंगे, कहाँ चली गई थी, हमको चाय कौन बना करके देगा, हमको ऐसी कथा नहीं सुननी है, कल से कथा सुनने के लिए मत जाना। जब आप लोग नहीं आएंगे कथा सुनने के लिए तो यहाँ किसको कथा सुनाएंगे, इसीलिए कहने का भाव यह है कि आप समय से आएंगी और समय से कथा सुनकर के जाएंगी, क्यों कि ये सत्संग जो है ये आध्यात्मिक विद्यालय है, इसमें आप जितना समय देंगे उतना ही आप लोगों को आनंद आएगा। हम इस आपकी गौशाला में कथा सुनाने के लिए आए हैं, ट्रैक्टर चलाने के लिए नहीं आए। आप ये कहेंगे बोल पंडित जी हमको तो आप 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कथा सुनाओ, हम कथा आपको सुनाएंगे, लेकिन आप लोगों में सुनने की सामर्थ्य होनी चाहिए। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, वो हाई वोल्टेज, इसलिए आप लोगों के घर में भी कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और यहाँ भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। आप प्रेम पूर्वक आए, अब कथा को यहीं पर विराम देते हैं कि 2:24 हो गई है, आरती करते करते 2:30 बज जाएगा, उसमें आपको जाते जाते घर पे जाते जाते 3 भी बज जाएंगे, क्योंकि आप दूर दूर से आते हैं, हमको मालूम है यहाँ 5-6 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, लेकिन आप बड़ी भाग्यशाली हैं जो यहाँ कथा सुनने के लिए गौशाला के प्रांगण में बैठ करके कथा सुन रही हैं। और दूसरी बात बताएं, कल से आप कथा सुनने के लिए आएंगी तो अपने साथ में कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर लेकर के आएंगे भगवान को भोग लगाने के लिए, क्यों कि कथा सुन करके आप जाएंगी, यहाँ से प्रसाद लेकर के जाएंगी तो आपके बेटे भी कहेंगे, आपकी बेटी भी कहेगी बोल मम्मी हमको आप प्रसाद दीजिए, और जब आप को यहाँ से प्रसाद नहीं मिलेगा तो आप क्या कहेंगी, बोल बेटा आज प्रसाद समाप्त हो गया था, आपको कल प्रसाद लेकर के आऊंगी, आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के आए और यहाँ से भोग लगा करके ज्यादा ज्यादा प्रसाद लेकर के जाए। और दूसरी बात, जब आप अपने घर से आए, आज पहला दिन है समाप्त हो गया, 6 दिन बाकी रह गए हैं, ये समझ लेना, जब आप अपने घर से आएंगी तो गौ माता के निमित्त एक रोटी और गौ माता के निमित्त 1 रुपया, गौ ज्यादा नहीं, आप लोगों की सामर्थ्य है तो 1 नहीं 1,00,000 दीजिए,
और यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो अपनी शुभ कमाई में से 209 की कमाई में से आप 1 रुपया निकालेंगे तो आपका उसी में कल्याण हो जाएगा और एक गौ माता के लिए रोटी अवश्य निकालिए रोजाना। क्यों कि जो गौ माता को एक रोटी खिलाते हैं अपना सनातन धर्म करता है उस परिवार का दिन दूना रात चौगुना बढ़ावा होता है गौ माता की सेवा करने से। ये 6 प्रश्न जो किए हैं सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने, इनका उत्तर आप लोगों कल श्रवण कराएंगे। अब एक छोटा सा भजन होगा, उसके उपरांत आरती होगी। आरती के बाद में आप लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखेंगे 10 बजे से लेकर के ठीक 2 बजे तक समय है। बोलिए व्यास जी महाराज की। मैया अभी तो हमें ना सुन रही तुम्हारी आवाज है, एक जोर से जयकार लगाओ, बोलो लाल दास बाबा की जय। जैसा कि महाराज श्री ने कहा, देखिए जो माता अपने साथ 2 माता लेके आएगी कथा सुनने के लिए तो जो उनका आधा पुण्य होगा आपको मिलेगा। और फिर घर जाने की जरूरत नहीं, सबके पास फोन है, बस उंगली टच करने की देर है कि बहन जी हमारे यहाँ कथा हो रही है। वैसे तो प्रचार चल रहा है गाड़ी से, पर फिर भी और आप प्रेरित करें लोगों को कथा सुनने के लिए आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि नाय राम नाम लीना। सभी ने सुना है ना ये भजन, तो ऐसे ही भजन गाएंगे जो तुमने सुने हो। नाय कृष्ण नाम लीना हो होते ने भरी जवानी में, वो तो डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीना, नाय राम नाम लीना, नाय कृष्ण नाम लीना तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। अच्छा भैया एक बात बताना, पानी के हाथ की रोटी कौन कौन करती है, हाथ ऊपर करो। हाँ ये ताली बजाने का प्रभाव है महाराज जी, अक्सर हम दिल्ली में देखते हैं पंजाब में देखते हैं ताली नहीं बजाती है माता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं बजा रहे हैं, भैया आती नहीं है तो मग पानी की रोटी किया करो, सीख जाएंगे ताली बजाना। क्योंकि ये चकला बेलन जो आए ना जब से भैया ताली बजाना भूल गए। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। कहलायो आटी में मिल जाए माटी में, कहलायो माटी में मिल जाए वो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाए काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाए काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में।
यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमाई नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। भक्ति में शक्ति है, घर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाएगी शक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। दिन बालापन खोयो, दिन बालापन खोयो, दिन सारा जीवन खोयो, डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। वो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। वो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। बोली व्यास भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब ऐसा है प्यारे भक्तों, दो थाली जलेंगे दीपक के लिए, एक माता बहनों के लिए, एक भाइयों के लिए, क्योंकि भीड़ हो जाती है ना। तो माता बहनें कहती हैं हमको आरती नहीं, हम नहीं कर पाई। भाई लोग कहते हैं हम नहीं कर पाए। दो थाली जला दीपक की और सभी प्रेम पूर्वक खड़े होकर के अब आरती होगी भागवत भगवान की। आरती करने के उपरांत फिर आप लोग यहाँ प्रसाद होगा। प्रसाद लेकर के मिश्री प्रसाद भी रखा है और वहाँ उसमें फल प्रसाद। Thank you.
महाराज की जय हो, उपाध्याय महाराज की जय हो, जमुना